खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो 2019 की 19 खबरें आपने देखी, अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। डांसर सपना चौधरी ने आज कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को झूठा करार दिया। सपना ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से दस्तावेज पेश कर दिए गए, जिससे जाहिर होता है कि सपना इस मामले में झूठ बोल रही हैं। चर्चा थी कि सपना चौधरी मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन चर्चाओं के बीच ही आ गया सपना चौधरी का खंडन। नहीं, मैंने बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। आपकी जो तस्वीर आई है कांग्रेस साइन करते सर, देखिए मेरी तस्वीरें पहले बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं है। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। हालांकि भी अटकलें थी कि सपना को कांग्रेस मथुरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन देर रात जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो लोकसभा की जो लिस्ट आई उसमें मथुरा से उम्मीदवार का नाम कोई और था, सपना चौधरी उम्मीदवार नहीं थी। और उसके बाद अगले दिन यानी 24 मार्च को सपना चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि वो कांग्रेस में शामिल हुई ही नहीं। सपना हंसते मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने आई और बताया कि पूरी चर्चा का वो भी मजा ले रही थी। सपना चौधरी ने तो यहाँ तक दावा किया कि चुनाव लड़ने की बातें तो दूर, उन्होंने कभी कांग्रेस की सदस्यता तक नहीं ली। और मेरे को देखिए, मेरे को बड़े मजे आ रहे थे, मुझे बहुत मजे आ रहे थे और जिस तरीके से आपने मजे लिए उसी तरीके से मैंने मजे लिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिल सकता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही सपना चौधरी से पूछा गया कि उनके ट्विटर अकाउंट से प्रियंका गांधी और राज बब्बर का आभार व्यक्त किया गया था। इसी तरह एक दूसरे ट्वीट में सपना चौधरी ने राज बब्बर का भी शुक्रिया किया। इन ट्वीट में सपना चौधरी के प्रियंका गांधी से मिलने की तस्वीरें भी थी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्वीट का जिक्र आया तो सपना ने कहा वो ट्विटर पर कभी थी ही नहीं। मैं ये बात और कह देना चाहती हूँ कि ट्विटर हैंडल मैं नहीं करती हूँ, मैं कोई ट्विटर नहीं चलाती हूँ, ट्विटर अकाउंट मेरा नहीं है। मैं फेसबुक चलाती हूँ, फेसबुक आईडी मेरी है, एक इंस्टा आईडी मेरी है, इसके अलावा मैं कोई भी डिजिटल का कोई भी मुद्दा यूज नहीं करती। सपना चौधरी बेशक ट्विटर पर ना हो, लेकिन 23 मार्च की रात 12 बजे के करीब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने की खबर दी थी। राज बब्बर ने कहा था सपना चौधरी जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत। सपना चौधरी के दावे के तुरंत बाद सामने आया एक दूसरा सच। यूपी कांग्रेस के संगठन मंत्री नरेंद्र राठी ने एबीपी न्यूज से कहा कि सपना ने 23 मार्च की शाम अपनी बहन के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली थी। राठी साहब, ये क्या हुआ, ये फॉर्म आपने हाथों से भरवाया था आपने? नहीं, उन्होंने खुद ही भरा है फॉर्म, हमने फॉर्म दिया, उन्होंने खुद भरा। हाँ। और खुद भरने बाद सिग्नेचर किए, फोटो लगाए और जो 5 रुपए शुल्क होता है उन्होंने हमें दिया। कितने रुपए शुल्क? 5 रुपए। यानी 5 रुपए भी दिए, फॉर्म अपने हाथों से भरा और कांग्रेस में शामिल हो गए। जी, सबूत के तौर पर उन्होंने वो सदस्यता फॉर्म भी दिखाया जिस पर सपना चौधरी का साइन ही नहीं, फोटो भी था। उन्होंने वो सदस्यता पर्ची भी दिखाई जो सदस्य बनने के बाद कांग्रेस ने जारी की। यूपी कांग्रेस के संगठन मंत्री नरेंद्र राठी से जब सपना के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। अब वो 24 घंटे में पलट क्यों गई है? अब कह रही है कि हमने कभी राज बब्बर से मुलाकात नहीं की, हम कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। मुझे मालूम नहीं वो क्यों ऐसा कह रही है। क्या कोई ऑफर आप लोगों की तरफ से था कि मथुरा की सीट आपको देंगे? हालांकि बाद में मथुरा की सीट से कोई और कैंडिडेट अनाउंस हो गया तो वो नाराज हो गई। ये मुझे मालूम नहीं सर। फिर भी आपको क्या लगता है सर, वो सफेद झूठ क्यों बोल रही है? ये मुझे मालूम नहीं, ये क्या कर रही है, क्यों कह रही है, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस सपना चौधरी पर बयान देने से बच रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपना चौधरी ने झूठ बोला? अगर झूठ बोला तो उसकी वजह क्या थी, या फिर सदस्यता लिए जाने के दस्तखत और तस्वीरें झूठी है? दोनों पक्षों में से कोई एक ही सच बोल रहा है। बड़ा सवाल ये भी है, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में आते आते सपना चौधरी का राजनीति से मोह भंग हो गया?